फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेषा क्रिएटिविटी। और आज मैं आपको लेकर के जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, क्योंकि इसे आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था। तो जब मैंने वो वाला वीडियो शेयर किया था तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की शिकायत थी कि मैंने इस जगह का एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर क्यों नहीं शेयर किया और मुझे करना चाहिए था। और आज भी मेरे उस पुराने वीडियो पर कमेंट्स आते हैं कि मैं दोबारा से इस जगह को आपके साथ में शेयर करूं। तो लगभग 5-6 महीने बाद आज फिर से इस जगह का नंबर आया है। तो आज मैं आपको लेकर के जाऊंगी एक ऐसी जगह जो आपने पहले तो देखी है लेकिन आपका मन नहीं भरा और आपको पसंद बहुत आई ये जगह। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं आपको लेकर के जा रही हूँ गार्डनिंग के जितने भी शौकीन हैं और बैल्कनी डेकोरेशन के जितने भी शौकीन हैं उनके लिए एक जगह स्वर्ग की तरह है ये, तो जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि जल्दी जल्दी नहीं जा पाती हूँ, बट चलिए आज मौका मिला है तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर बैल्कनी के डेकोरेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर मिल सकती हैं, एक ही जगह पर मिल जाती हैं और मैं अक्सर यहीं से ख़रीदती हूँ लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है। तो शुरुआत करती हूँ इन मटकों से। आज मैं आपको प्राइस भी बताऊँगी और इनका नंबर भी आपके साथ में फ्लैश कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप कॉन्टैक्ट करके इनसे अपना मनचाही चीज़ ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप पर आपको ज्वाइन करेंगे और आपको प्रोडक्ट भेजेंगे, उसके बाद में आप इनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फ़ोन पर बात करके आप प्रोडक्ट मंगवा लीजिए उनसे और पहले वो व्हाट्सएप पे पिक भेजेंगे, रेट भेजेंगे, उसके बाद में आप इनसे सारे प्राइस वगैरह पूछ करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और पेमेंट आप इनको बैंक के थ्रू या पेटीएम वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं, बाकी आपको डिटेल इनसे बात करने पर पता चल जाएगी। तो मैं प्राइस बताती चल रही हूँ जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये जगह मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो बात करती हूँ ये उर्ली की। उर्ली मुझे थोड़ी सी महंगी मिली थी, ये 450 रुपीज़ इन्होंने मुझे बताया था और ये मनी बैंक है। मनी बैंक 20 रुपीज़ से लेकर के और 150 तक का था, वो साइज़ वाइज था, जितना बड़ा साइज़ है मनी बैंक का उस हिसाब से इसका प्राइस था। और ये वेस जो हैं आप मिट्टी के जो फ्लावर पॉट वगैरह जो देख रहे हैं ये भी बहुत अफोर्डेबल थे, 70-80-90 रुपीज़। और ये तुलसी कोटा का प्लांट था जो कि वो पेंट कर रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये उर्ली का प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा बट इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा था। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के गमले थे और ये उनका हेल्पर है। और ये आजकल सीज़न है तो मटके भी सेल हो रहे हैं बहुत सारे, तो मटके इन्होंने काफ़ी सारे रखे हुए हैं, पानी की टैप वगैरह। के बाद में ये आ गया सीडलिंग तैयार करने के लिए ट्रे, जो कि आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। ये भी 100-150 की रेंज में है और सीमेंटेड गमले भी हैं, कलर किए हुए भी हैं और प्लेन भी हैं। तो इनका प्राइस 180-170 इस हिसाब से है। और ये जो मटके देख रहे हैं आप, ये इसमें टैप भी लगी हुई है, तो जिसमें टैप लगी हुई है तो ये 200-250 इस हिसाब से है। और ये जो बास्केट देख रहे हैं आप कलरफुल, ये जो हैंग की हुई हैं कलरफुल सी, तो ये मुझे सुन करके बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने ये लोकल मार्केट से ख़रीदी थी तो मुझे 120 या 130 की मिली थी एक बास्केट, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 60 रुपीज़ की एक बास्केट है। तो मुझे जान करके बड़ी हैरानी सी हुई कि मैंने इतनी डबल कॉस्ट पर ली है और वो भी बहुत ही लिमिटेड से कलर थे। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे कलर अवेलेबल हैं, आप अपनी बैल्कनी के डेकोर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक के गमले भी हैं, मिट्टी की मटकियाँ भी हैं और पंछियों के दाना पानी रखने के लिए छोटे छोटे सकोरे भी हैं जिसमें आप उनको दाना और पानी रख सकते हैं। मिट्टी के गमले भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन में थे जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए। और ये वाले घड़े जो पुराने ट्रेडिशनल जो घड़े थे वो भी, और ये वाली सारी जितनी भी बास्केट देख रहे हैं ना आप, ये सब 60 रुपीज़ की हैं केवल। और नीचे भी जो लगी हुई हैं ये भी 60-60 रुपीज़ की हैं। आप देखिए ये वाली 150 रुपीज़ की लोकल मार्केट में मिल रही हैं और यहाँ पर केवल 60 रुपीज़ की थी। तो अगर एक दर्जन भी ले लो तो फिर ये तो चलती रहती हैं। और ये आप मिट्टी का जो वो देख रहे हैं ना, जब मैंने ख़रीदा था ये लैम्प तो ये बिल्कुल मिट्टी का प्लेन रख रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने पेंट करना भी शुरू कर दिया है। और ये देखिए ये सारे मनी बैंक हैं कलरफुल से, और ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर डेकोर पीस हैं जो कि आप अपनी बैल्कनी में लगा सकते हैं, घर के अंदर लगा सकते हैं,
बुद्धा स्टैचू हैं, और ये वाली जो है ये 120 या 150 की है बास्केट, जो राउंड वाली है। इनका प्राइस मैं भूल गई क्या बताया था इन्होंने। और ये बर्ड हाउस देखा आपने, ये जूट से बनाया हुआ बर्ड हाउस था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मिट्टी के ग्लास, ये देखिए मिट्टी के ग्लास कितने प्यारे लग रहे। और ये शिवलिंग है और लाफिंग बुद्धा है, और ये टर्टल वाला था। और हाँ ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे आ रही है जो ये है मिट्टी की पानी की बोतल। तो अगर आपको पानी मिट्टी की बोतल में पानी पीने का शौक है तो आप ये ले सकते हैं। 120 रुपीज़ इसका प्राइस था। और ये जो देख रहे हैं आप मटके, ये पेंटेड मटके हैं, ये भी पानी के मटके हैं, और बस इसके ऊपर पेंट करके इसको डिज़ाइनर बना दिया गया है, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के लग रहे थे। और ये प्लास्टिक के पॉट हैं जो आप हैंगिंग बास्केट बैल्कनी में लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये पूरा इनका व्यू मैं दे रही हूँ आपको दूर से, कितनी बड़ी शॉप है इनकी। शॉप नहीं है मतलब ओपन में ही है, लेकिन काफ़ी सालों से ये यहीं पर बैठते हैं। ये कुंबड़ा चौक पर है एक जगह, कुंबड़ा चौक यहाँ पर मोहाली में काफ़ी जगह नोन है, तो यहाँ पर बैठते हैं। ये कितनी बड़ी शॉप है आप ये देखिए, और यहाँ पे इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, मेरे जैसा इंसान तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे आराम से निकाल सकता है। एक एक चीज़ को मतलब छू करके देखना, एक एक चीज़ को फील करना, तो मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ पर बिल्कुल नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अपनी जो हमारा कल्चर है उससे जुड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि देखिए शहरों में तो ये चीज़ें दूर दूर तक नहीं देखने को मिलती है। स्पेशली इसको काफ़ी दूर रखा गया है, तो यहाँ पर काफ़ी दूर मुझे आना होता है, तो मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने क्या ख़रीदा है वो आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और मैंने भी थोड़ा बहुत सामान लिया है, लेकिन ये सामान मैं पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो प्लांट्स भी मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन प्लांट्स का रेट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि प्लांट्स अगर आपको लेने हैं तो आप स्पेशली नर्सरी जाएं, नर्सरी में आपको वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और वो आपको थोड़ी सी नॉलेज भी दे देते हैं कि आपको ये प्लांट इस टाइम पर लगाना चाहिए या नहीं, अगर आप पूछेंगे तभी देते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं बताता है। तो मेरा मानना तो ये है कि प्लांट्स अगर आपको ख़रीदने हैं तो नर्सरी जाएं। और ये सारे क्रोटन लगे हुए हैं, और ये गमले हैं, ये पंछियों के पानी के मिट्टी के सकोरे रखे हैं, और ये अलग अलग डिज़ाइन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटके हैं और गमले हैं मिट्टी के। मुझे बास्केट्स बहुत अच्छी लगी। ये आप देख रहे हैं ना बर्ड हाउस, ये था 150 या 200 समथिंग कुछ ऐसे था, और ये ऑरेंज वाइट कलर की, और ये जो बास्केट देख रहे हैं ये 120 की थी। सीमेंटेड गमला, ये बड़े वाले गमले हैं, तो ये 100 रुपीज़ का था, आई थिंक इससे थोड़ा ज़्यादा था। और ये देखिए, ये वाटर कैन है जिससे आप अपने प्लांट्स में पानी स्प्रे कर सकते हैं, ये मुझे बहुत पसंद आई। ये आई थिंक 350 की थी ये लाफिंग बुद्धा। और ये आप देख रहे हैं ये मटके, ये वाटर कैन है जो मिट्टी के घड़े जो बोलते हैं जिसको, ये वो हैं। और ये गमलों के नीचे रखने वाली प्लेट्स थी, ये 20-25 रुपीज़ ईच थी। और ये बेल्स जो देख रहे हैं आप, ये अलग अलग प्राइस है इन बेल्स का, आपको ये बेल्स 200 से लेकर 450 तक की मिलेगी, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की, क्योंकि साइज वाइज ये बड़े हो रहे हैं। और आप ये देखिए, ये वाली ये बास्केट मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी थी, ये इन्होंने 170 या 200 की बताई थी आई थिंक, तो ये चीज़ मैं भूल गई ये कितने की थी। और ये है बुद्धा स्टैचू, तो अगर आप अपनी बैल्कनी वगैरह में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये था सारा सामान, और अब मैं चली अपनी शॉपिंग करके घर की ओर। और रास्ते में एक ये छोटी सी शॉप और पड़ी है, ये देखिए छोटी छोटी सी, तो यहाँ पर जब भी आती हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है, और मैं काफ़ी सारी शॉपिंग एक बार देख करके तो नहीं लेकर के आ जाती, मैं थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करती हूँ जिससे कि मुझे दोबारा से यहाँ आने का मौका मिले, क्योंकि एक ही बार मैं ले जाऊँगी फिर तो काफ़ी टाइम हो जाता है आए हुए। तो लास्ट टाइम मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करके लेके गई थी, तो फिर मुझे अब काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन इस बार मैंने बहुत थोड़ी सी शॉपिंग की है, क्योंकि दो जगह से शॉपिंग की है मैंने, दोनों अलग अलग शॉपिंग की हैं, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अगले व्लॉग में, और क्या क्या शॉपिंग की है वो तो। और ये देखिए, ये स्टैंड भी मिलते हैं यहाँ पर, तो कभी भी आए तो यहाँ पर ज़रूर आए, आपको अगर आप मोहाली चंडीगढ़ से हैं तो आप यहाँ पर एक बार ही ज़रूर आ करके देखें।
और बस यही ये कुछ झलकियाँ मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको इस वीडियो के लास्ट में। और अब मैं चलती हूँ घर। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से कर दे। जल्दी मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।